अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आप माँ मुस्तमान कैसे हैं और रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और रोज़े भी अच्छे गुजर रहे हैं। और आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और इसे बनाने में ज़्यादा देर होगी क्योंकि आज और मैं और मेरी मैड जो सी हम बाज़ार चले गए क्योंकि उसने भी शॉपिंग करनी थी और मैंने भी करनी थी, तो इसलिए हम इकट्ठे ही बाज़ार चले गए। तो आके अब असर का टाइम हुआ है और असर का टाइम होने की वजह से फिर मैंने जल्दी से आकर दाल चावल बनाए क्योंकि यही चीज़ ये बहुत जल्दी बन जाती है और फिर थकावट भी हुई होती है तो आकर रोटी बनाना मुश्किल था। तो फिर मैंने दाल चावल बना लिए और दाल जो सी होती है वो मैं तड़का साथ ही लगा लेती हूँ और अब मैं चावल जो सी वो चुन रही थी और चावल बनाऊँगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं बाज़ार गई थी और क्या क्या ख़रीदा। तो ये जो सी चावल है वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और पानी इसका मैं निकाल लूँगी। पानी निकालने से चावल बहुत ही लाइट हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो दाल चावल तैयार हो चुके थे और ये मगरब से पहले ही तैयार हो गए थे क्योंकि रोज़ा खुलने में थोड़ी ही देर थी और रोज़ा भी खुल गया। और इसके अलावा फिर हमने रोज़ा खोलने के बाद स्वीट खाई। रोज़ा जब मैंने खोला था तो थोड़ा सा फ्रूट लिया था, फिर उसके बाद मैंने चावल ले लिए थे क्योंकि चावल बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और अगर फ्रूट ज़्यादा खा लें फिर चावल की गुंजाइश नहीं रहती। तो चावल अब बनाए हुए थे तो इसलिए मैंने इफ्तार में चावल ही लिए, साथ थोड़ा सा फ्रूट लिया और अब मैं स्वीट ले रही हूँ। और स्वीट जो सी है ये बनी है गाजर और चावल से। जो सी गाजर है वो ऑरेंज कलर की थी इसलिए इसका रंग इस कलर का आया है। अब बाज़ार की मैंने थोड़ा सी वीडियो बनाई थी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। जब हम बाज़ार गए तो वहाँ हम इस शॉप पर गए तो इधर बहुत ही प्यारे सूट थे, इनका कलर बहुत ही प्यारा था, तो इसमें से हमने कोई कुछ बाय किए जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और ये दुकान पे जेंट्स के और लेडीज़ दोनों के ही बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और ये वाली मोबाइल शॉप है, इसमें मोबाइल के अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ें भी दस्तियाब थी लेकिन मुझे मोबाइल जो सा है उसको ग्लास पेपर लगवाना था, उसके अलावा कवर लेना था उसका, तो उसके साथ रिमोट कवर भी लेना था और रिंग भी ना था मोबाइल के पीछे के लिए। तो फिर मैंने वो चीज़ें बाय की। फिर उसके बाद हम ज्वेलर्स की शॉप पर चले गए तो वहाँ हमने ज्वेलरी थोड़ा सी देखी, वो भी बहुत अच्छी थी, इयरिंग वगैरह देखे। तो फिर हम एक कॉस्मेटिक की शॉप पर गए, वहाँ हमने वॉलेट वगैरह देखे और दूसरी भी थोड़ी सी चीज़ें देखी। ये वॉलेट बहुत ही प्यारा था, लेदर का था और अंदर से भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हमने नेल पेंट जो सा है वो भी देखे कि कौन सा अच्छा कलर है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लगा कलर। तो फिर हमने कोई और मैट में लिया एक नेल पॉलिश और उसके अलावा फिर जूतों वाली शॉप पर गए, वहाँ से कोई जूता बाय किया। अब मैं दिखाती हूँ आपको शॉपिंग, हम घर वापस आ गए थे। ये मेरी मैट जो सी है उसने अपने बच्ची के लिए ये वाला सूट बाय किया है, ये 1100 का आया था और बहुत ही इसकी अच्छी कढ़ाई थी, तो साथ इसके दुपट्टा छोटा था तो इसलिए उसने फिर एक अलग से बट्टा नया इसके साथ मैचिंग करके लिया। और ये सूट जो सा है बहुत ही, इसकी कढ़ाई जो सी है बहुत ही नीट थी और इसके अलावा इस पर थोड़ा सा ग्रीटर भी लगा हुआ था और इसके साथ जो सा ट्राउज़र था वो सिंपल था और बहुत ही ये भी सॉफ्ट सा था, यानी कि बहुत ही लॉन में था ये और बहुत ही सॉफ्ट था। और ये दुपट्टा इसके साथ लिया है, ये खुद मैचिंग किया था और साथ उसने अपना घर पहनने वाला जो आम रफ़ स्लीपर लिए और ये उसने लिए था अपने बेटे के लिए, एक पैंट शर्ट ली थी और ये वेलवेट की चूड़ियाँ जो सी है ये उसने लिए थे अपनी बेटी के लिए क्योंकि इसमें शॉकिंग आ रहे थे फ्लावर्स, उसके साथ इसने मैच किए। और इसके अलावा ये पैंट जो सी उसने ली, ये कैप्री स्टाइल में थी, पैंट शर्ट अपने बेटे के लिए उसने ली थी, साथ उसने जूते लिए थे अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और मैंने भी कुछ चीज़ें ली थी, मैं भी आपसे शेयर करूँगी, अगर मैं अब इस वीडियो में शेयर करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसी तरह उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।